जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का आप आज की इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गणित का टॉपिक अनुपात समानुपात, जिसका पार्ट नंबर एक वीडियो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले साथियों अपने लाभ हानि और उससे पहले प्रतिशत के अपने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़े थे। तो साथियों यदि आपको लगता है कि मुझे लाभ हानि और प्रतिशत के जो कंसेप्ट थे उनमें कुछ डाउट रह गया है, तो साथियों आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो साथियों आपको वीडियो देखना है उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। आज साथियों मैं जो ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, इस चैप्टर को साथियों आप गणित की आत्मा समझें। ये चैप्टर है साथियों जो गणित की आत्मा की तरह काम करेगा, यानी कि आप गणित की आत्मा कह सकते हैं या इसे अपन साथियों गणित की नींव कह सकते हैं। यदि आपको गणित का कोई भी सवाल हल करना या आपको लगता है कि मैं गणित में वीक हूं या कमजोर हूं, तो साथियों आप अनुपात समानुपात चैप्टर को पूरा एक बार पढ़िए। उसके बाद आपको खुद को लगेगा कि मुझे गणित के अंदर बहुत कुछ आता है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि जब हमें गणित के अंदर कंप्यूटेशन के मैथमेटिक्स साथियों जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि विशेष तौर से दो बातें, यानी कि दो चैप्टर यदि मैं ढंग से आ जाए, पहला चैप्टर साथियों अपना प्रतिशत और दूसरा चैप्टर अपना जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात, यदि अपने को प्रतिशत और अनुपात समानुपात का एक एक कंसेप्ट पता हो, और उसके बाद साथियों आप चाहे लाभ आने की बात कर लो, चाहे समय दूरी की बात कर लो, चाहे आप मिश्रण की बात कर लो, या आप किसी प्रकार के अन्य जो भी अपने है प्रश्नावलियां, जैसे आपने देखा होगा पाई चार्ट या साथियों आपने देखा होगा आयत चित्र, किसी भी चैप्टर की बात करें तो उनके अंदर इन दोनों अध्याय का काफी सारा कंसेप्ट काम में आता है। तो मैं आपसे इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस अध्याय इनकी अनुपात समानुपात के जितने भी अपन साथियों क्लास रहेगी, 5-7 जो भी क्लास होती है, आप नियमित रूप से क्लासें अटेंड करें, और उसके बाद साथियों आप खुद अपना एनालिसिस करके बताएं कि आपको कितने सारे कंसेप्ट अनुपात समानुपात के, कितने सारे कंसेप्ट लाभ हानि के, और कितने सारे कंसेप्ट प्रतिशत के। इन तीन कंसेप्ट के बाद साथियों आप देख लेना कि आपको 90% लगेगा कि मैं गणित के कोई भी सवाल है तो ऐसे इस प्रकार से ट्रिक बना करके हल कर सकता हूं। तो देखिए साथियों आज आपके सामने मैंने तीन प्रश्न लिखे हैं जो कि अनुपात समानुपात का बिल्कुल बेसिक है। एक प्रकार से देखा जाए साथियों मैंने एक जीरो लेवल से आपके सामने प्रश्न लिखे हैं। वैसे देखा जाए तो साथियों ऐसे सवाल अपने एग्जाम के अंदर देखने को काफी सारे मिलते हैं। यानी कि पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि ए बी का 20% है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। अब आपके यहां से एक मन में सवाल उत्पन्न हो गया कि अब हमें किसको क्या समझना है। आपको साथियों यहां लिखा हुआ है कि ए है जो बी का 20% है, तो जिसके साथ में का लगा है साथियों वो हमेशा बट्टे में आता है। क्या याद रखना है, जिसके साथ में का लगा हो या जिसके साथ में से लगा हो या जिसके साथ में ऑफ लगा हो या जिसके साथ में देन लगाओ, इंग्लिश में ऑफ या देन, हिंदी में का या से लगाओ, जिस वर्ण के साथ में का से ऑफ देन लगाओ वो हमेशा बटे के अंदर हर में लिखा जाता है। भिन्न के अंदर कहां लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। तो साथियों यहां पर आपका हो जाएगा ए आएगा ऊपर, क्योंकि बी के साथ में का लगाए तो बी आ गया बटे में। ए बी का 20% है, 20% का मतलब होता है साथियों 20/100, और 20/100 को आप पहाड़े से काटते हो तो 20 × 20 और 20 × 5 = 100, यानी कि आपके सामने आ गया ए बटा बी बराबर 1/5। और यहां से आप लिख सकते हैं एक अनुपात बी, और ए का मान आपका 1 है और बी का मान जो बटे में होता है ओरिजिनल वैल्यू है 5, तो ए अनुपात बी का आपके पास में आंसर आ गया 1/5। कैसे आया साथियों, आपको यहां से एक कंसेप्ट या एक चीज याद रखनी है कि जिस वर्ण के साथ में का लगा हो, जैसे यहां देखो बी का, तो जिस वर्ण के साथ में का लगा है
वो हमेशा आएगा हर की जगह। कहां पर आएगा? भिन्न के अंदर हर, यानी कि बट्टे में आएगा, बट्टे में नीचे आएगा। अपन भिन्न संख्या लिखते हैं तो उन भिन्न संख्या में जो नीचे वाली संख्या होती है उसे अपने साथियों हर संख्या या डिनोमिनेटर कहते हैं। तो साथियों यहां से आपके सामने आपने देखा कि ए का बी, ए बी का, तो ए बटा बी 20% को आप साथियों मैंने प्रतिशत के कंसेप्ट पढ़ाए थे तब भी बताया था कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप ये काम नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो ए का मान हो गया 5, सॉरी 1, और बी का मान हो गया 5, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 1:5। ये आ गया साथियों इसका आंसर। इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न लिखा है कि ए बी से 20% अधिक है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है? ए बी से 20% अधिक है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। अब साथियों यहां से आपके सामने वही है, बी के साथ में से लगाए, और जिसके साथ में से लगाओ या का लगाओ वो आता है बटे में, तो बटे में आ गया बी, ऊपर आएगा ए। अब 20% अधिक है तो पहले देखो 20% का मतलब 1/5, अधिक है इनकी 5 पर 1 अधिक है तो ये मान बन गया 6/5, 5 पर 1 अधिक है तो क्या मान बन गया? तो मान बन गया 6/5। अब आपके सामने a का मान कितना? 6, b का मान कितना? 5, तो a अनुपात b कितना आ गया? तो a अनुपात b आएगा 6/5, इनकी ये आपका इसका आंसर आ गया। अधिक होगा साथियों तो उसको जोड़ना है, पर कम हो जाए तो उसको घटाना है, क्योंकि बटे में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। जब भी भिन्न संख्या के अंदर जो बटे में संख्या लिखी होती है वो संख्या हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, उस संख्या का मान होता है ओरिजिनल मान होता है वो बटे में आता है, घटत बढ़त होती है वो ऊपर आती है। अब यहां पर लिखा हुआ है अधिक, तो 5 से 1 अधिक मतलब 6, तो ए का मान 6 और बी का मान आ गया 5। इसी प्रकार आपके देखो सामने तीसरा प्रश्न लिखा है कि ए बी से 20% कम है तो ए अनुपात बी का मान कितना होगा। अब आपके सामने बी के साथ में से लगाए मतलब बट्टे में तो आएगा बी, ऊपर आएगा ए, और 20% का मतलब होता है 1/5। अब 20% का मतलब 1/5 और क्या है? कम है, तो 5 से 1 कम मतलब कि 4/5। यहां से आपके सामने साथियों आंसर आ गया, ए का मान तो आ गया 4, बी का मान आ गया 5, तो ए अनुपात बी कितना आ गया? तो ए अनुपात बी आ गया 4/5। ये है इसका आंसर। मैंने आपके सामने साथियों 3 सवाल कराए, इन तीनों सवालों के अंदर, इन 3 प्रश्नों के अंदर आपने एक चीज नोट की कि हमें उन प्रश्नों में किसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, किसके साथ में पूछा जाता है और किसके बारे में पूछा जाता है। मैंने प्रतिशत पढ़ाया था तब भी आपको एक बात सिखाई थी कि भाषा के ऊपर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले तो इस प्रश्न में किसके बारे में बात कर रहा है, तो ए के बारे में बात कर रहा है, और मैंने कहा था कि जिसके बारे में बात करे उसको लिखो ऊपर और जिसके साथ बात करे उसको लिखो नीचे, तो ये होता है अनुपात। अब साथियों अनुपात की परिभाषा वैसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन किसी विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक क्वेश्चन जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि अनुपात कहते किसे हैं, अनुपात का काम कहां पर पड़ा, क्यों अनुपात पढ़ते हैं, क्या ये अनुपात हमारी जिंदगी में कहीं काम आते हैं या नहीं आते हैं। इन सभी प्रश्नों के सवाल साथियों मैं आपको बताता हूं। अनुपात का मतलब होता है किन्हीं दो संख्याओं का, दो वस्तुओं का, दो चीजों का, कोई भी दो चीज उनकी आपस में तुलना करना। जैसे आपका और मेरा, अपना, जैसे मेरा और आपके बीच में, हम दोनों के बीच में कोई व्यक्ति अपन दोनों की तुलना करता है कि मैं मुझ में कितना ज्ञान है या आप में कितना ज्ञान है, या मैं कितना पढ़ा हुआ हूं या आप कितने पढ़े हुए हैं, तो एक दूसरे की तुलना करना, तुलना करने को अपन अनुपात कहते हैं। साथियों अनुपात जिंदगी में अपने काम, बहुत सारा काम आता है। हम किसी भी वस्तु की तुलना करते हैं, जैसे हमारे पास में दो प्रकार का कपड़ा है, कपड़े का रंग एक जैसा है कि नहीं है,
कपड़े का भाव एक जैसा है या नहीं है, क्या हम ये हमारे दैनिक जीवन से काम नहीं लेते हैं? तो दैनिक जीवन में हम अनुपात समानुपात को बहुत सारा काम लेते हैं। किन्हीं भी दो वस्तुओं की तुलना करना अनुपात समानुपात कहलाता है। समानुपात अनुपात का ही रूप है साथियों, इसको आगे धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे तो आपको समानुपात की भी बात समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है कि क्या हम तुलना कैसे करते हैं? अब देखो, इंसान की तुलना इंसान से की जाती है या इंसान की तुलना पशु से कर सकते हैं? आपके मस्तिष्क में एक सवाल तो उत्पन्न होगा कि तुलना किसकी करें। तो इंसान की तुलना इंसान से कर सकते हैं, पशु की तुलना पशु से कर सकते हैं। तो आपसे यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी कि अनुपात उन दो संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं जिनके मात्रक सेम हो, जो एक जैसी हो। जैसे किलो का अनुपात ज्ञात होता है, ग्राम का अनुपात ज्ञात होता है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात होता है, किलोमीटर का किलोमीटर से अनुपात ज्ञात होता है, मीटर का मीटर के साथ ज्ञात होता है। इसी प्रकार साथियों, अनुपात की जो इकाई होती है वो दोनों में एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास में दो वस्तु है, एक वस्तु का भार 500 ग्राम है और एक वस्तु का भार 500 किलो है, तो दोनों का अनुपात कितना होगा? तब आप ऐसा मत करना कि 500 अनुपात 500 बराबर 1:1, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि एक वस्तु किलोग्राम में है, एक वस्तु ग्राम में है, तो या तो दोनों को किलोग्राम में बदलो या दोनों को ग्राम में बदलो, तब जाकर के उनका अपन अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, हम इस कंसेप्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक एक बात में आपको अनुपात समानुपात की 100% यहां से क्लियर करा दूंगा। आप इन सेशन के साथ में समय पर हमेशा 9 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है, क्लास के साथ में हमेशा 9 बजे आप अटेंड करें क्लास को। और एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं साथियों कि आपको यदि यह सेशन पसंद आता है तो ही इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, अन्यथा साथियों आप इस सेशन को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको साथियों एक बात, काफी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर जी नोट्स भेजिए। अब आपको यहां से एक एक चीज बोर्ड पे लिखवाई जाती है और स्क्रीनशॉट का भी मैं आपको समय देता हूं, तो आप उन स्क्रीनशॉट को ले लें और उसके बाद में जैसे क्लास समाप्त होती है तो साथियों आप अपने नोटबुक के अंदर उन स्क्रीनशॉट के जो भी आपने आंसर क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं उनको नोट करते रहें, आपके नोट्स अपने आप बन जाएंगे। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए साथियों, अगला सवाल की बात करें तो हो सकता है अपना अनुपात यहां प्रतिशत की जगह पर कुछ और संख्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, एक एक की आप उन पे चर्चा करेंगे अपन। जैसे आपके सामने लिखा है पहला मैंने साथियों लिख दिया कि ए बी का 1/3 है। दूसरा मैंने लिख दिया ए बी से 1/3 अधिक है। तीसरा मैंने लिख दिया आपके सामने ए बी से 1/3 कम है। और चौथा मैंने लिख दिया आपके सामने ए शेष का 1/3 है। तो आपको यहां पर ए अनुपात बी ज्ञात करना, यहां पर भी आपको ए अनुपात बी ज्ञात करना, यहां पर भी आपको ए अनुपात बी ज्ञात करना और यहां पर आपको ए अनुपात शेष ज्ञात करना है। अब आपके सामने साथियों, यहां पर आपके सामने 4 सवाल लिखे मैंने। 4 प्रश्नों के अंदर आपको एक लॉजिक मिलेगा। हो सकता है कि वहां प्रतिशत, पिछली बार हमने प्रतिशत के प्रश्न पढ़े थे, अभी प्रतिशत की जगह पर अब 1/3 लिख दिया। अब आपके सामने वही काम कंसेप्ट रखना है कि जिसके साथ में बात होती है वो बटे में आता है और जिसके बारे में बात होती है वो ऊपर आता है। ठीक है, अब किसके बारे में बात हो रही है? तो ए के बारे में बात हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, किसके संदर्भ में बात कर रहा है? तो ए कर रहा है बी के बारे में, बी के साथ, यानी कि ए बी का 1/3 है। इसका मतलब ये हो गया ए बटा बी बराबर 1 बटा
तीन, यहां से सीधा सीधा मान आ गया ए का मान ए अनुपात बी करते हैं तो ए का मान तो आ गया एक और बी का मान आ गया तीन। तो ए अनुपात बी अपने पास आ गया एक अनुपात तीन। पहला सवाल तो आपको सीधा सीधा यहां से मिल गया क्योंकि अपने को ए बी का एक बटा तीन है तो ए ऊपर आ गया बी बटे में आ गया, ए का मान एक और बी का मान है तीन क्योंकि बटे में साख्य मान होता है ओरिजिनल मान होता है। अब आपको दूसरे सवाल में देखा कि ए बी से एक बटा तीन अधिक है, ए बी से तो वही बात ए बटा बी अधिक है, कितना अधिक है एक बटा तीन अधिक है, इसका मतलब ये हो गया कि तीन पर एक अधिक मतलब चार बटा तीन है। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, तो ए अनुपात बी हो जाएगा आपका साथियों वो हो जाएगा चार अनुपात तीन। अधिक है तब एक, एक बटा तीन अधिक है मतलब तीन पर एक अधिक है तो कितना हो गया चार बटा तीन, ए का मान चार बी का मान तीन तो ए अनुपात बी बराबर चार अनुपात तीन हो जाएगा। इसी प्रकार यहां लिखा है ए बी से एक बटा तीन कम है, कम है तो वो बात साथियों अभी अपने सीखी थी कि ए बटा तीन सॉरी ए बटा बी का मतलब एक बटा तीन कम, तीन पर एक कम मतलब दो बटा तीन। अब दो बटा तीन है तो यहां से ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, तो यहां से आपके सामने ए अनुपात बी का मान आ गया वो आ गया दो अनुपात तीन, ये आ गया इसका आंसर। अब आपको चौथे सवाल में थोड़ा सा एक कंफ्यूज लग रहा है कि अब यहां पर तो ए शेष का किसके शेष का बात कर रहा है, शेष की तो बात कर रहा है तो ए बटा शेष, शेष को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर यानी कि आर, और ए बटा आर बराबर है एक बटा तीन और पूरी वैल्यू कितनी होगी शेष तीन है तो पूरी कितनी होगी, पूरी होगी चार, तो ए बटा आर बराबर हो जाएगी एक बटा चार और ए अनुपात आर बराबर हो जाएगा एक अनुपात चार। ये कैसे हुआ, शेष का एक, शेष तीन है तीन का एक और आपको पता है कि टोटल कितना हो गया तीन और एक चार, तो पूरा चार है चार में से एक माने ए का तो शेष माने तीन आर का, तो एक बटा आर तो टोटल माने ज्ञात करना है तो एक बटा आर बराबर अनुपात होगा एक अनुपात चार का। ऐसे सवाल भी साथियों एग्जाम में आते हैं, मैंने एक एक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपके सामने इस बेसिक क्लास को लगाया है। साथियों एक दो दिन बेसिक के साथ साथ अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप यह ना सोचें कि सर जी बिल्कुल आसान आसान से सवाल कराते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट अपन साथियों ये साथ में काम आएंगे, इसलिए मैं एक छोटी छोटी बात आपके सामने पहले समझा रहा हूं, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा आपके सामने प्रश्न बहुत बड़े हाई लेवल के भी आएंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है साथियों, देखिए आगे बात करते हैं तो अगले सवाल में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है या कैसे प्रश्न आते हैं, जरूरी नहीं है साथियों कि वो बटे में मान ही पूछे, कभी कभी अपने को दशमलव में मान भी दे सकता है, कभी प्रतिशत में मान दे सकता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे साथियों, जैसे पहला लिखा ए बी का, ए बी का 75% है, दूसरा लिखा ए बी का 0.75 है, तीसरा लिखा मैंने कि ए बी का ए बी का 3/4 है और चौथा लिखा ए बटा बी बराबर 3/4 है और इन सब में कह दिया कि ए अनुपात बी ज्ञात करो, ए अनुपात बी ज्ञात करो यानी ए बी का 75% है तो ए अनुपात बी का मान कितना होगा, ए बी का 0.75% है, ए बी का 0.75% है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो
तीसरा लिखा है ए बी का 3/4 है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। चौथा लिखा ए बटा बी बराबर 3/4 है तो इनका ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। ये साथियों आपके सामने चार टाइप के सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आप इन चारों में अंतर क्या है, सबसे पहले तो आप एक बात नोट करो कि इन चारों चीजों जो प्रश्न लिखे इन चार प्रश्नों में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है साथियों, सिर्फ इतना ही अंतर है पहली बात प्रतिशत में पूछी गई है, दूसरी बात पॉइंटों में दी गई है, तीसरी बात बट्टे में दी गई है और चौथी बात भिन्न की संख्या के अंदर दे गई है, कोई भाषा नहीं लिखी है। अब देखो यहां पर लिखा है ए बी का, तो ए के बारे में बात हो रही है, बी के साथ हो रही है तो ए बटा बी, पर 75% का मतलब होता है 75/100 और ये संख्याएं कट जाएगी तो कितना आएगा 25 के पारी से आ गया 3/4। ए का मान 3 बी का मान 4 तो पहला अनुपात आ गया 3/4। दूसरा देखो ए बी का 0.75% है, मतलब ए अनुपात ए बटा बी बराबर 0.75 और पॉइंट हटा दोगे तो बटे में आ जाएंगे 100, ये भी कट गया तो आ गया 3/3/4 क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक थे तो बटे में 2 0 आ गई 100 बन गए। ए बटा बी बराबर 3/4 तो यहां पर भी अनुपात कितना आ गया, यहां पर भी अनुपात आ गया 3/4। यहां सीधा लिखा है ए बी का 3/4 मतलब ए बटा बी बराबर 3/4 है तो यहां से भी आपका अनुपात आएगा वह आएगा 3/4। ए बटा बी बराबर 3/4 है तो ए का मान 3 बी का मान 4 तो यहां पर भी आपका अनुपात आएगा वह आएगा ए अनुपात बी बराबर 3/4। तो साथियों आपके सामने चार भाषाओं के प्रश्न थे, चारों के आंसर एक ही आ रहे 3/4 3/4 3/4 3/4। तो प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा करके अपने को पूछ सकता है अपने को उस प्रश्न के अंदर किसके बारे में पूछ रहा है और किसके साथ पूछ रहा है, उन कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए अपन इसको आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के सवाल आते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर इसके अगले स्टैंडर्ड की और बात करते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, देखिए साथियों आगे मैं आपके सामने इसी लेवल के आज बिल्कुल छोटे छोटे सवाल इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि अपने माइंड के अंदर एक प्रकार से ऐसा डायग्राम बन जाए कि क्या चीज हमें ज्ञात करनी है, उनको कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा मैंने ए अनुपात बी बराबर 0.5, दूसरा लिखा मैंने ए अनुपात 0.42, तीसरा लिखा मैंने ए अनुपात बी बराबर 4.2, चौथा लिखा मैंने ए अनुपात बी बराबर 0.66, पांचवा लिखा ए अनुपात बी बराबर 4.77 और छठा लिखा ए अनुपात बी बराबर 16.66। आपके सामने ये साथियों कुछ प्रकार के सवाल लिखे हुए हैं और इन सब में के अंदर ये लिखा है आंसर इनकी फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। अब आपके साथियों यहां से आप कह दोगे कि पहला मान तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है, मतलब कि ए बटा बी बराबर 0.5, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लग जाएंगे और 5 × 5 5 × 10 यानी कि यहां से ए अनुपात बी आ गया 1:2। पहला सवाल तो कह दोगे बहुत आसान था, हमने कर दिया, बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करेंगे तो भी आप कह दोगे सर जी हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 0.42 और पॉइंट डाएंगे तो बटे में 100 लग जाएंगे और इसको हम साथियों काटते हैं तो ये आपका 2 के पारे से कट जाता है 21/50, 21/50 किसी के पारे में नहीं आता है तो यहां से आपका आ गया ए अनुपात बी बराबर 21/50। तीसरी बात आपके सामने वही लिखी है कि ए अनुपात बी लिखा है तो लिखेंगे ए बटा बी बराबर 4.2, पॉइंट आएंगे बटे में 10 आएगा
दो के पार से काट दिया तो 21/5 और संख्याएं कटती नहीं है तो ए अनुपात बी का आंसर आ गया यहां से 21/5। पांचवें सवाल में आप करोगे कि ये भी ऐसा ही है कि ए बटा बी बराबर 0.66/100 और दो के पार से काट दोगे इनके यहां से दशमलव कट गया 33/50 इनकी ए अनुपात बी बराबर 33/50 ये कर दोगे आप। प्यारे साथियों तीन सवाल तो आपके तरीका सही था, तीनों आंसर आपके पहले सही है, लेकिन जो आपने इस चौथे प्रश्न में आपने जो तरीका लगाया है ये तरीका आपका गलत है, ये आंसर भी आपका गलत है। अब आपके मन में यहां से एक सवाल अवश्य पैदा हुआ होगा कि जो आपने काम ऊपर किया उसको तो आप सही मान रहे हो, यहां पर आते समय आपने इसको गलत क्यों साबित किया, इसको आप आंसर गलत क्यों बोलोगे? यदि किसी साथी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करें कि ये आंसर गलत क्यों है, क्या कारण हो सकता है कि ये आंसर गलत है। तब आप सभी साथियों के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होगा कि सर जी पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में यदि संख्या रिपीट होती है तो वो भाग निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे आप किसी संख्या में भाग देते हो और आपके पॉइंट के बाद में 6, 6, 6 आते हैं तो आगे भी 6, 6 आते रहेंगे, भाग कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप इसको ऐसा न लेकर करके 0.6 से लिखा हुआ है, इस 0.66 को आप लिख सकते हैं 0.66 के ऊपर बार, और इसका मतलब होता है 6 के ऊपर बार का मतलब होता है 6/9, बार हटाते हैं बटे में 1 कम हो जाता है 10 में से इनकी 9, और 6/9 कट के आते हैं 3 के पारे से 2/3 तो ए अनुपात बी बराबर आएगा 2/3, ये इसका आंसर होगा। साथियों इस सवाल इस प्रश्न के ऊपर आप विशेष फोकस करें कि जब पॉइंट के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति 1 की हो रही है तो 1 के ऊपर बार खींचे और बटे में बार हटाएंगे तो उस अंक के बटे में 9 आएगा। यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है यानी कि जैसे 6, 7, 6, 7, 6, 7 आ रहे हैं तो आपको 6 और 7 पे बार लगाना है और बार हटाओगे तो आपकी साथियों वहां पर बटे में 99 आएगा यानी कि 100 में से कम। इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ देखो इस प्रश्न में बात करते हैं तो 4.77, इसका मतलब ये हो गया कि 4.7 की पुनरावृत्ति 7 को बार खींच लेंगे और बार हटाते हैं साथियों तो आपका आता है 4 सही 7/9 और इसको हल करते हैं तो 4 9 36, 36 में 9 7 जोड़ोगे तो आएंगे 43/9 और 43/9 किसी पार से नहीं कटते हैं तो ए अनुपात बी आ गया 43/9। क्या किया मैंने यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस पर बार लगाया, बार लगाने से जैसी संख्या बार लगती है और इस बार को हटाते हैं तो बटे में इनकी 1 अंक है तो 9 आएगा, यदि 2 अंक होते तो 99 आ जाते, यहां से बार हटाया तो बटे में 9 आ गए। मतलब कि साथियों 4 सही 7/9 को आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 43/9 और 43/9 किसी के पारे से नहीं कटते हैं मतलब ए बटा बी का मान आ गया 43/9 तो ए अनुपात बी बराबर 43/9 हो जाएगा, ये इसका आंसर। इसी प्रकार 16.66 की देखते हैं तो इसको लिखेंगे 16.6 बार और यहां लिखेंगे 16 सही 6/9 और इसको साथियों अपन हल करेंगे तो आपका आंसर देखिए 6/9 कट रहा है 2/3 बार, 3 का गुणा 16 से करो 16 3 48, 48 में 2 जोड़ दो तो आगे 50 और बटे में 3 और 50/3 नहीं कट रहा है, ए अनुपात बी का आंसर आएगा वो आएगा 50/3। तो ऐसे सवाल भी साथियों एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। ये एक छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है, आपको लगता है कि बहुत आसान है, आपको आता भी है, लेकिन साथियों अपन ने एक एक विद्यार्थी को साथ में लेकर के चलते हैं तो जिन भाई बंधुओं ने इस चीज को पहली बार आज सीखा होगा
हो सकता है कि आपको यहां तक कंसेप्ट आता था, लेकिन ये तीन कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपने पहली बार सीखे होंगे या आपको पता चला होगा। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। आगे देखिए मैं इसी प्रश्नों के ऊपर कुछ और स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न कैसे बनते हैं उनकी बात करता हूं। तो आप एक बार लिख लें इसको। आप सबने लिख लिया है साथियों। देखिए आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्नों के ऊपर। हो सकता है कि अपने को प्रश्न इस प्रकार से ना मिल करके कुछ अलग रूप में मिल जाए, तो हम उसके ऊपर कैसे बात करेंगे। साथियों आज का सेशन यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर भी करें। थोड़ी सी आप मेहरबानी करके शेयर और लाइक में अपना सहयोग देते हैं तो आपकी ये क्लासें भी आपको ज्यादा से ज्यादा और कंसेप्ट के साथ में बढ़िया तरीके से आपको मिलती रहेगी। देखिए साथियों आज जो अगला कंसेप्ट ये है कि ए अनुपात बी बराबर एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन। ए अनुपात बी बराबर एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन, या आपको मिल सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक बटा तीन अनुपात एक बटा पांच अनुपात एक बटा दो, या साथियों आपको मिल सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर एक अनुपात एक बटा तीन अनुपात एक बटा सात अनुपात एक बटा पांच। एक बटा सात अनुपात एक बटा पांच अनुपात एक बटा दो। अब आपके सामने ये तीन सवाल लिखे मैंने। इन तीनों सवालों में आपको ये पूछा गया, पहले सवाल में पूछा कि ए अनुपात बी का आंसर कितना होगा, दूसरे सवाल में पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर कितना होगा, तीसरे सवाल में पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। ये चार सवाल आपके सामने है। अब साथियों आपके मस्तिष्क में इन चारों के बारे में हल करने के लिए कुछ न कुछ सुझाव जरूर आए होंगे। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको साथियों इन कंसेप्ट के ऊपर यदि आपको अभी तक आपने कभी ऐसी बातें नहीं सीखी है तो आज मैं आपको इसके लिए दो मेथड बताता हूं। इन सवालों को दो तरीके से हल कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों आसान सामान्य से कंसेप्ट है, जो आपको बेस्ट लगे उसको आप लिख सकते हैं। पहला सवाल तो आपका यही है कि ए अनुपात बी बराबर कह रखा है एक बटा दो, तो जो संख्या बटे में है इन संख्याओं का आप एलसीएम ले लो। तो दो और तीन का एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आ गया छह। ये क्या लिया आपने, बटे वाली संख्याओं का लिया एलसीएम। बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया छह। इन छह का क्या करें, दोनों के साथ गुणा कर दें। यदि एक बटा दो के साथ में छह का गुणा करेंगे तो आएगा आपका तीन, और एक बटा तीन के साथ में छह का गुणा करेंगे तो आपका आएगा दो, यानी कि ए अनुपात बी का मान आ गया तीन अनुपात दो। क्या काम किया, एक बटा दो लिखा था और एक बटा तीन लिखा था, यही दो संख्याएं लिखी हुई अनुपात में। बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आता दोनों के साथ गुणा कर दो। तो यहां तो छह कट गए दो के पाड़े से तीन बार, यहां छह कट गए तीन के पाड़े से दो बार, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, तीन अनुपात दो आ गया। पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो ए की बात करें तो ए वाले मान को छुपा दो, बी वाले मान को लिख दो। दो संख्याएं है तो ए वाले मान को छुपा दिया तो बी वाला मान है तीन, तो ए की जगह आ गया तीन। बी का मान ज्ञात करना है तो बी वाले मान को छुपा दो, ए वाले मान को लिख दो, तो बी वाला मान छुपाते हैं तो ए वाला मान रहता है दो, तो ये आ गया दो। सीधा सीधा लिख दिया। लेकिन साथियों दो के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बटे में दो और तीन लिखे उल्टा लिख दो, तीन और दो। जब दो संख्याओं को बटे में दे रखी है, अपने को अनुपात ज्ञात करना है,
जैसे एक बटा चार अनुपात एक बटा पांच लिखा है और ये मान दे रखा है ए अनुपात बी का, कितना ओरिजिनल मान कितना होगा, तो ओरिजिनल मान हो जाएगा पांच अनुपात चार, इनकी इनका उल्टा कर दो। ये पहला तरीका दो भिन्न के लिए, जब संख्याएं दो हो और बटे में हो तब, लेकिन तीन होगी तो क्या करेंगे। एक तो ऐसे मेथड, एक छुपाने वाला मेथड। पहले क्वेश्चन में दोनों तरीके लगे, दूसरे में भी आप वही काम करो, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। पहले तो तीन पांच और दो का लसप लेते हैं, तो लसप लेने का मतलब है आपस में तीनों का गुणा कर दो, तो पांच त्रि पंद्रह, पंद्रह दो ना तीस, तो इनका लसप कितना आ गया, एलसीएम आ गया इनका तीस। अब तीस का गुणा तीनों के साथ कर दो, तो एक बटा तीन इंटू तीस, एक बटा पांच इंटू तीस, एक बटा दो इंटू तीस। एक बटा तीन तीस कट गया दस बार, एक बटा पांच तीस कट गया छह बार, एक बटा दो तीस कट गया पंद्रह बार, तो दस अनुपात छह अनुपात पंद्रह, ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। कौन से मेथड से, एलसीएम मेथड से। अब आपको लगता है कि हमें तो एलसीएम लेना नहीं आता है, हम एलसीएम क्यों लें, तो आप क्या काम करें, तब आप काम क्या करें, देखिए मैं यहां समझा रहा हूं आपको। एक बटा तीन अनुपात एक बटा पांच अनुपात एक बटा दो लिखा हुआ है आपके पास में। आप क्या काम करें कि यदि मुझे ए का मान ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है तो ए के मान को छुपा दो, शेष दोनों मानों को गुणा करके लिख दो, तो पांच इंटू दो दस हो गया। बी का मान ज्ञात करना, बी के मान को छुपा दो, शेष दोनों मान को गुणा करके लिख दो, तो तीन दोनी छह हो गया। सी का मान ज्ञात करना, सी के मान को छुपा दो, शेष दो मानों का गुणा करके लिख दो, तीन पंजे पंद्रह, तो दस अनुपात छह अनुपात पंद्रह, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो आपको साथियों एलसीएम मेथड पसंद आए या समझ में आए तो एलसीएम मेथड लगाएं, यदि आपको छुपाने वाला मेथड पसंद आया अच्छा लगा तो आप इस मेथड से भी आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं, दोनों के आंसर सेम है कि नहीं देख लीजिए। अब आपके सामने तीसरा सवाल लिखा है, इसको भी अपन हल करते हैं। तो देखिए यदि अपन तीसरे सवाल को साथियों एलसीएम मेथड से करेंगे तो वही काम करना है, तीनों का एलसीएम देख लो चारों संख्याओं का, सात त्रि इक्कीस, इक्कीस पंजे एक सौ पांच, एक सौ पांच का डबल दो सौ दस, दो सौ दस के अंदर तीन का भाग दोगे तो कितना आएगा, सात त्रि इक्कीस सत्तर बार, दो सौ दस में सात का भाग दोगे तो तीस बार, दो सौ दस में पांच का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, चार पंजे बीस, अस्सी एक रह जाएगा पीछे, बयालीस बार, और फिर दो का भाग दोगे तो कितना आएगा, एक सौ पांच बार। अब ये संख्याएं किसी से कटती है तो काट दो, अन्यथा सत्तर अनुपात तीस अनुपात बयालीस अनुपात एक सौ पांच आ जाता। यदि आपको ये एलसीएम मेथड से करते तब आता है, और एलसीएम मेथड से नहीं करते हैं तो पहले देख लो, ए का मान ज्ञात करना, ए का मान छुपा दो, सातों पंजे पैंतीस, पैंतीस दोना सत्तर, ये लो जी सत्तर। बी का मान ज्ञात करना तो बी का मान छुपा दो, तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह दोना तीस, ये लो जी तीस। सी का मान ज्ञात करना तो सी का मान छुपा दो, सात त्रि इक्कीस, इक्कीस दोना बयालीस, ये लो जी बयालीस। और डी का मान ज्ञात करना, डी का मान छुपा दो, सात त्रि इक्कीस, इक्कीस पंजे एक सौ पांच, ये आ गया इसका आंसर। तो आपको साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अपने दो मेथड सीखे, एक तो सीखा एलसीएम मेथड और एक सीखा अपने छुपाने वाला मेथड। दोनों के अंदर सामान्य कंसेप्ट लगे, तो मेरे हिसाब से साथियों आपको अब ऐसे सवाल मिल जाए तो आप उनको चुटकियों में हल कर सकते हो, बिल्कुल आपके समझ में आ चुका है। आगे देखिए अपन इसके और आगे कुछ स्टैंडर्ड और सवाल बढ़ेंगे, जैसे जैसे साथियों क्लास आगे बढ़ेगी, आज नहीं तो कल, कल भी आगे स्टैंडर्ड सवाल बढ़ेंगे, परसों और अधिक हाई लेवल के सवाल भी अपन लाएंगे। तो आपने यहां तक लिख लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका साथियों जल्दी से,
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आगे देखिए साथियों। अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं, ये छोटे छोटे जो मैं बातें बता रहा हूं, आप साथियों पिछले एग्जाम जो हुए हैं उन एग्जाम के आप पेपर उठा के देखना, अनुपात समानुपात के क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर है या अधिक है या कम है, आप वहां से अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना, अनुपात समानुपात यदि आपने ढंग से पूरा पूरा पढ़ लिया तो आप लाभ हानि प्रतिशत मिश्रण औसत जो अपने साथियों अर्थमेटिक है वो 95% आप सही ढंग से उसको हल कर दोगे। अब देखिए अगले स्टैंडर्ड के सवाल कैसे बनते हैं। जैसे आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 3A/4B, 3A/4B लिखा है और अपने को कह दिया कि A अनुपात B का मान बताओ, या अपने को साथियों यहां पर लिखा होता कि 2A/5B/7C, 2A/5B/7C ये लिखा हुआ है तो अपने को कह देता A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा, या अपने को साथियों लिखा हुआ आ जाता कि 4M/6W/7C, तो आपके सामने M अनुपात W अनुपात C का मान कितना। यदि अपने सामने साथियों यहां पर एक और लेवल आ जाता 2A/3B/5C/3D, तो यहां से पूछ लेता A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना। ये चार कंसेप्ट यहां पर भी सीखेंगे कि अपने पास में इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो कैसे हल करें। यहां पर भी आपके सामने दो मेथड लगेंगे, दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। आप साथियों इसको लिख सकते हो 3A/4B और यहां से B का पक्षांतरण कर दो और यहां से 3 का पक्षांतरण कर दो तो आपके पास में आ जाता A/B/4/3। संख्याओं का पक्षांतरण करते इनकी B को लाते इधर तो बटे में आ जाता, इस 3 को ले जाते इधर तो ये बटे में चला जाता, तो A/B/4/3 आता। इसका मतलब क्या होता कि A अनुपात B का मान 4:3 आ गया। अब आपको ये काम करें या न करें इसके लिए आप क्या बात ध्यान रखें कि जब भी अपने पास में इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो जो B के साथ गुणे में है वो A का मान है और जो A के साथ गुणे में है वो B का मान है, बस और कुछ नहीं है। जब दो संख्याएं इस प्रकार से मिल जाए और अनुपात ज्ञात करने की बात हो तो आप एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो B के साथ मान है वो A का है और जो A के साथ मान है वो B का है, और वही मान रख दो उत्तर आ जाएगा। आप ये तरीका लगाएं या ये तरीका लगाएं, दोनों आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको साथियों 3 साथ में आ जाए तो क्या करें। अब आप कह दोगे कि हम यहां से इसको ऐसे तो हल करेंगे साथियों वापस इसी को भी, तो 2A/5B/7C। एक बार तो आप लिखोगे A/B तो आपके पास में आएगा 5/2, एक बार लिखोगे आप B/C तो आपके पास आएगा 7/5, यानी कि B/C 7/5। फिर आप इनका क्रॉस गुणा करोगे और उसके बाद आप क्रॉस गुणा करने के बाद में आंसर आएगा वो तीनों के अनुपात आएंगे। अब आप यहां पर ये मेथड लगाओगे तो साथियों आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या काम करना है, जब भी ऐसे सवाल अपने को देखने को मिले कि 2a
बराबर 5b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको यदि a का मान पूछे तो इसको भूल जाओ, इन दोनों का गुणा करो, 7 × 5 = 35। यदि आपको b का मान ज्ञात करना है तो इनको भूल जाओ, इन दोनों का गुणा कर दो, 7 × 2 = 14। और यदि आपको c का मान ज्ञात करना है तो इसको भूल जाओ और इन दोनों का गुणा कर दो, 10। क्या आ गया, 35, 14, 10। आपके पास में कितने आंसर आ गए, 35 अनुपात 14 अनुपात 10, यही मान a अनुपात b अनुपात c का होगा। तो जल्दी से साथियों आपने ये भी चीज समझी होगी। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने इसी टाइप का है, a b c की जगह पर m w c लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो आप इसी फॉलो मेथड को फॉलो करें और ये चीज भी आप ज्ञात करके जल्दी से कमेंट करें। आपके पास में 30 सेकंड का समय है कि m अनुपात w अनुपात c का मान कितना होगा, और इस सेशन को शेयर भी कर दें साथ साथ में जल्दी से। अब यहां पर पहले m की बात हो रही है तो इसको भूल जाओ, 7 × 42। w की बात हो रही है तो बीच वाले को भूल जाओ, 7 × 6 = 28। c की बात हो रही इसको भूल जाओ, 6 × 6 = 24। दो के पारे से कट रहे हैं तीनों ही, तो 21 × 42, 14 × 28, 12 × 24 कट गए, अनुपात आ गया 21 अनुपात 14 अनुपात 12, m अनुपात w अनुपात c का। तो जिन साथियों ने कमेंट किया उनका आंसर सही है, 21 अनुपात 14 अनुपात 12। आगे देखिए साथियों चौथे सवाल की बात करें तो चौथे प्रश्न के अंदर भी आपको वही कंसेप्ट लगाना है, एक ही बात हो तो एक को भूल जाओ, तीनों को गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45। बी की बात हो रही है तो 5 × 10 = 10, 10 = 30। सी की बात हो तो 5 को भूल जाओ, 3 × 6 = 18। और डी की बात हो रही है तो 5 × 3 = 3 × 2 = 5 × 15, 15 × 2 = 23। अब आप इनको काट सकते हैं, एक पारी से कटती है संख्या, 3 के पारी से कट रही है, 15 × 45 = 30, 6 × 3 = 18, 10 × 30, इनकी 15 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात 10, ये इसका आ गया आंसर। तो आपके सामने मैंने 4 कंसेप्ट समझाए साथियों, इन 4 चीजों को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। हो सकता है कि प्रश्न इस रूप में भी न आए, कुछ और अलग तरीके से भी आ सकता है, तो मैं एक एक चीज को आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं, आप नोट करते रहें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो साथियों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे देखिए अगला जो कंसेप्ट है साथियों वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इनकी एक ऐसी भी संख्या आ सकती है, हमें किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे आपके सामने लिखा a/3 = b/4 और आपको यहां से पूछा कि a अनुपात b बराबर कितना, या आपके सामने लिखा होता कि a/2 = b/3 = c/5, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना, या आपके सामने लिखा होता a/2 b/3 c/7 d/5 और पूछ लेता a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना। अब आपके सामने इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं, अब इनको कैसे हल करते हैं, तो साथियों इस चीज को हल करने के लिए मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, एक बार आप सेशन को लाइक कर दें, और देखिए लाइक ना करें तो भी कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि जो संख्या जिसके बटे में है उसका मान है, a का मान 3 है, b का मान 4 है, हमेशा ध्यान रखना, संख्या ऊपर a लिखी है तो a का मान बटे में लिखा हुआ है, संख्या ऊपर b लिखी है तो b का मान बटे में लिखा हुआ है,
तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3:4। इसी प्रकार यहां से आपके सामने हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2:3:5। इसी प्रकार यहां से हो जाएगा 2:3:7:5। क्योंकि ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं, अब ये कैसे आए, ये आए कैसे, तो देखिए मैं आपके सामने इसको हल करके बताता हूं। ए बटा 3 बराबर बी बटा 4 है। अपन इसको हल करते हैं तो बी का पक्षांतर करते हैं, बी को लाते हैं इस तरफ तो बटे में आता है, यानी कि ए बटा बी बन जाता है, और ये 3 चला जाता है बी की जगह पर, तो यहां कितना आ जाता है 3/4। और हमने अभी सीखा था कि ए बटा बी बराबर 3/4 है, इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर 3:4 होगा, सीखा था। इसी प्रकार अपन इन दोनों का पक्षांतरण करते हैं, फिर इन दोनों का पक्षांतरण करते हैं, दो अनुपात बन जाते हैं, 2:1 का एन मेथड क्या है आगे पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी साथियों 1:1 की बात हो रही है, एन मेथड भी आएगा। इस एन मेथड का क्या मतलब होता है, ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे। आज मैं आपके सामने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल लिखता हूं, आप तब समझोगे कि क्या हमने जो चीज सीखी है वो कहां काम आती है। जल्दी से एक बार आप इनको नोट कर लें, फिर अपन आज का एक ऐसा सवाल जो सारे के सारे कंसेप्ट का रिवाइज कराएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा साथियों, वो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे देखिए, आज अपने साथियों जो चीज सीखी है ना, उन चीज के ऊपर ही अपन एक कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल लिखते हैं। सवाल आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 2 है, या आप लिख सकते हैं कि ए बटा 3 बी बटा 5 और सी बटा 2 है। ए बटा 3 बराबर बी बटा 5 बराबर सी बटा 2 है, और आपको कह रखा इसका मान a प्लस बी प्लस 2c बटा एक्स के बराबर है। a बटा 3 बराबर बी बटा 5 बराबर सी बटा 2 बराबर a प्लस बी प्लस 2c बराबर बटा एक्स है, तो यहां से आपको पूछा है कि x का मान कितना होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अब आप इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, आप यहां पर साथियों अपना दिमाग लगाते हैं कि समीकरण बन गया, समीकरण बनाते हैं, फिर उनको गुणा भाग करते हैं। यहां पर आपको कोई भी समीकरण नहीं लगाना। अभी हमने सारे के सारे मेथड सीखे थे, तो मैंने बताया था कि जो संख्या बटे में होती है उसका मान होती है, तो ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 2। ए बी सी के मान दिए हुए, ये मान यहां रख दो, तो आपके पास में आएगा 3+5+2×2/x। 3+5 8, 8 और 2×2 4, 8 और 4 कितने हो गए 12/x। चाहे ए का मान 3 कह दो या 3 का मान ए कह दो, बात तो एक ही है। तो यहां पर 12 का मान x, तो x का मान कितना, तो x का मान आ गया यहां से आपके सामने 12। ये इसका आ गया आंसर। कितना कंसेप्ट काम आता है। अभी आप एक सवाल और देख सकते हैं, ऐसा ही ऐसा जो अगला मैं साथियों सवाल लिखता हूं वो आपको ग्रह कार्य रूप में होगा, लेकिन आप इस चीज को एक बार वापस समझ लें कि जब अपने पास में इस प्रकार का इस फॉर्मेट में सवाल पूछे, आप यहां पर समीकरण बनाने वाला मेथड न लगाएं कि इनका क्रॉस गुणा करें, ए और बी और सी के मान ज्ञात करें, या इन दोनों को आपस में गुणा करें एक एक संख्याओं का फिर ज्ञात करें। आप मेथड याद रखें कि हमने सीखा है कि बटे में जिसका मान होता है उसका खुद का मान होता है, तो बटे में ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 2 है, यहां पर रख दो तो एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर अपन आज का साथियों लास्ट सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूं, उसको आप खुद प्रैक्टिस करके
आंसर मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बाद में भी कमेंट करके दे सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, आप सबने लिख लिया होगा इस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, जो कि साथियों सारे कंसेप्ट को फॉलो करता है, ऐसे सवाल अपन सीख रहे हैं। अनुपात समानुपात बहुत अच्छा चैप्टर है, जो कि गणित की नींव भी मानी जाती है। देखिए सवाल यह है कि a बटा दो बराबर b बटा तीन बराबर c बटा पांच बराबर है a प्लस बी माइनस सी बटा एक्स बराबर है 2a प्लस बी प्लस 2c बटा y के। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा, ये सवाल आपका आज साथियों होमवर्क में रहेगा। कल हम इसी सवाल से हल करेंगे आगे, और अगला सेशन कल ठीक 9 बजे आपके सामने शुरू होगा। तब तक साथियों आप इस सवाल को हल करें, जितने कंसेप्ट आज अपने सीखे हैं उन सभी कंसेप्ट को आप एक बार पुनः अवश्य देखना और अपने नोट्स बना लेना। अनुपात समानुपात आपने ढंग से पढ़ लिया तो गणित के अंदर अर्थमेटिक आपकी 95% क्लियर हो जाएगी। इसी आशा के साथ आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।